शनिवार की रात अचानक हुई बारिश से सड़कों पर जलजमाव की स्थिति बनी हुई है। इस दौरान जिला अस्पताल के आसपास के नाले भी ओवरफ्लो हो गए। बरसात में जलजमाव की समस्या से निजात पाने के लिए नगर निगम प्रशासन एड़ी चोटी एक करता है, लेकिन उसके हाथ कुछ भी नहीं लग रहा। नालों की सफाई व्यवस्था जस की तस बनी हुई है। बारिश में जलजमाव की समस्या शहर के लिए अब सामान्य सी बात होने लगी है। नगर निगम के ठीक सामने सड़क पर जलजमाव की समस्या वर्षों पुरानी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर निगम के सभी अधिकारी यहां से गुजरते हैं, लेकिन किसी को इसकी कोई परवाह नहीं है। जब भी बरसात का समय आता है तो हमारी दुकानों के सामने जलजमाव होता है, जिससे दुकानदारी भी प्रभावित होती है। जलजमाव के बाद नगर निगम के द्वारा पंप लगाकर पानी को हटाया जाता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए स्थानीय दुकानदारों ने कहा। सड़क का लेवल उधर कुछ और है, इधर कुछ और है। हमेशा पानी रहता है इसी रोड से। प्रशासक जाते हैं, स्टोनो जाते हैं, वो जाते हैं, मेयर भी जाते हैं, सब लोग जाते हैं। कोई देखता नहीं रोड की क्या दशा है। थोड़ा सा बारिश हुई रात, कितना बारिश हुई है, लेकिन देखिए जाम पूरा लग गया। चार गाड़ी पूरे महापालिका में, तीन गाड़ी एक शक करने वाली। अरे सब देखते हैं, अंधे नहीं सब देखता है, क्या उसमें कहा जाए भाई। नगर निगम के ठीक सामने ये रोड है और यहाँ पे थोड़ा सा भी बारिश होता है तो पूरा पानी इकट्ठा हो जाता है। इसी रास्ते अधिकारी लोग आते जाते हैं, लेकिन वो लोग नज़र मोड़ के चले जाते हैं, इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। इसके बारे में कभी एप्लीकेशन या एप्लीकेशन नहीं, वो लोग खुद आँख से देख रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, देख रहे हैं क्या समस्या है। पानी को कचरते हुए जा रहे हैं, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मुक्ति के लिए, जाम मुक्ति के लिए तो क्या खर्चा किया, यहाँ पर तो पानी इकट्ठा हुआ, थोड़ा सा भी बारिश हुआ पानी पूरा इकट्ठा हो गया है। क्या समझा जाएगा कि धन ज़्यादा खर्च हुआ है। हमारे घर के सामने पूरा पानी इकट्ठा हो रहा, जड़ा सा भी बारिश हो रहा पूरा पानी इकट्ठा हो रहा है।